बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। एक हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता जिनको नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, उनकी कद काठी तो छोटी है लेकिन मिजाज बहुत ही सख्त है। वो नेता जो संत के साथ साथ देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया भी है। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। योगी जब भी बोलते हैं तो ये मानकर चलिए कि वो मीडिया के हेडलाइन जरूर बनेगी। आज जब हिंदुस्तान में जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने देश की सियासत को गरमा दिया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है क्योंकि बटेंगे तो कटना तय है। उन्होंने कहा कि आज जन्माष्टमी है और बांग्लादेश के हिंदू अपने भगवान की भक्ति डर के साए में कर रहे हैं। आज वहां लाखों लोगों ने व्रत रखा है लेकिन उनके चेहरे से खुशी गायब है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि कट्टरपंथी जीना मुश्किल कर देंगे, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान तो बांग्लादेशी हिंदुओं के संदर्भ में दिया लेकिन इस बयान की चर्चा अलग अलग तरीके से हो रही है। बयान को अपने अपने हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबका एक साथ और एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि अगर अलगाव हुआ या बिखराव हुआ तो इसका नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ एक हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता हैं और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई बयान दिया हो। योगी आदित्यनाथ अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं लेकिन अब चर्चा आज वाले बयान के टाइमिंग की है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों जगहों पर योगी आदित्यनाथ की काफी डिमांड रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समाज को एकजुट करने की अपील वाला बयान दे दिया। तो वहीं अभी यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में यूपी में हुए बीजेपी के प्रदर्शन ने पूरे संगठन को चिंता में भी डाल दिया है कि बीजेपी सीटों में भारी कमी बीजेपी की सीटों में आई है और 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। एक लिहाज से यह चुनाव जो है सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान के एक बात तो साफ है कि बीजेपी फिर अपने पुराने एजेंडे पर फिर से आ रही है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासत अब गर्मा चुकी है, अलग अलग दल के नेताओं के बयान आने लगे हैं। ओवैसी ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी राज्य में मुसलमानों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, उनके घरों पर बिना कोई मौका किए दिए बुलडोजर चला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वह खुद लोगों को बांटने का काम करते हैं और इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। ओबीसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि योगी ने कहा था कि ठोक देंगे, वे अब किससे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या जिस तरह हसीना ने बांग्लादेश में लोगों पर गोली चलवाई थी वैसे ही वे भी अब गोली चलवाएंगे। अखिलेश यादव ने भी इधर योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि यही बीजेपी का असली चेहरा है, ये लोग देश को बांटते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत उफान पर है, आने वाले कुछ दिनों तक इस बयान की चर्चा भी रहेगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर योगी ने किस पर निशाना आखिर साधा, योगी के बयान के टारगेट पर आखिर कौन है और क्या इस बयान का कोई सियासी मतलब है या फिर ये बयान यूं ही दिया गया। सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुखर होकर बोलने वाले योगी
आदित्यनाथ के बयान पर अभी सियासत बाकी है। देखिए अभी कितने दिनों तक ये बयान चर्चाओं में रहता है।